अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर मिस मुमताज। आज मैं आपको बेकी कहानी सुनाऊंगी, बेकी फैमिली की कहानी। पता है बेका पूरा खानदान बादलों पे रहता था, बादलों के ऊपर मजे से। ये सब पांच थे और पांचों के पांच बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। अब ये वहाँ रहते रहते थक गए थे। एक दिन उन सब ने कहा कि भाई बादल पे रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, ऐसा करते हैं कहीं और चलते हैं। जब बिजली कड़कती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है, मैंने कहा। तो दूसरे ने कहा पहले चलो नीचे जमीन पे चलते हैं, बाद में घूम के आते हैं। बे पे ते ते से सब बड़े एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम सब बाग में नीचे चलते हैं और बाग बगीचे में घूम के आते हैं। ये बात सुनते ही सबसे पहले तो बे ने नीचे ही छलांग लगा दी। बे के बाद पे का पीछे रहता। पे ने कहा मैं भी आ रहा हूँ, उसके बाद आया ते और ते ने कहा ओके आई एम कमिंग ब्रदर आई एम कमिंग। और फिर वे नीचे आके अरे ये मैं कहाँ आया, अरे ये तो मैं सेब के दरख्त पर गिर गया हूँ। मजे के सेब, मुझे तो भूख लगी है, मैंने तो भूख मरे इतने सारे इसमें तो सेब है, मैं जल्दी से इसे खा जाता हूँ। अरे ये क्या लिखे, ओहो ये तो फिर पे भी आ गया। पे से कहा कितने सारे सेब है, तुम्हें भूख लगी है तो तुम भी खा लो। पे ने कहा मैं भी खाऊंगा। और पे भी हक हक से खाने लगा। पे ने एक सेब खा लिया। अरे ये कौन आ रहा है, ये तो दूसरा भाई आ गया पे। और पे ने आके कहा वाह बे तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम तो अपने के ट्रिप पे आ गए, मैं भी आ गया तुम्हारे पीछे पीछे। पे ने कहा खा लो एप्पल खा लो, बड़े मजे के हैं मीठे मीठे, मैंने तो एक एप्पल खा लिया। पे ने कहा मुझे तो ज्यादा भूख लगी है, मैं तो तीन एप्पल खाऊंगा तीन सेब खाऊंगा। और फिर पे ने हप 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 करके तीन सेब खा लिए। अरे अरे और भी तो लोग आ रहे थे, अरे ये आ गया। पे के बाद आया ते और ते ने कहा क्या हो रहा है, एप्पल ट्री पे मजे आ रहे हैं, पे और पे तुम दोनों के तो मजे आ रहे। पे ने कहा मैंने तो बहुत सारे सेब खा लिए। ते ने कहा मुझे तो अभी भूख नहीं लग रही है, मैं तो ऐसा करता हूँ सेब को तोड़ता हूँ और अपने सर पे रख देता हूँ, जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। ये बात फिर आया टे ने जब देखा तीनों को के एप्पल्स के साथ सेब के साथ फ्री हो रहे खा रहे, तो टे ने कहा कितनी गंदी बात है, आप लोगों ने माली बाबा से पूछे बगैर सेब खा लिए, मैं तो नहीं खाऊंगा, भूख तो मुझे लग रही है लेकिन मैं अभी खाऊंगा नहीं। टे ने कहा ओ बात तो सही कह रहे हो तुम टे, लेकिन अब तो मैंने एक सेब खा लिया। टे ने कहा मैंने तो तीन खा लिए। टे कहने लगा मैंने खाए तो नहीं है, मैंने तो अपने सर पे रखे हैं। टे ने कहा ओके अब हम चलेंगे माली बाबा के साथ जब तक हमारा भाई से आ जाए। ओ से भी आ गया नीचे और से ने कहा बाबा लोगों के बड़े मजे आ रहे हैं सेब खा रहे हो, चलो फिर ऐसा करता हूँ मुझे भी अभी भूख
मुझे तो सेब बहुत पसंद है, तो मैं ऐसा करता हूँ टी सेब अपने सर पे रख लेता हूँ, जब टाइम मिलेगा, जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। सेब के दरख्त पे आकर पे पे टे टे और सेब बहुत खुश थे, क्योंकि बादलों में तो बिजली कड़कती थी, फिर बारिश हो जाती थी, तो सब चढ़ते थे। यहाँ आके तो पे को भी मजा आया, एक सेब खा लिया। पे के मजे देखो, तीन सेब, वाह, एक दो तीन। और टे ने कितने सेब रख लिए अपने सर पे, एक दो सेब। टे तो मासूम है ना, टे ने कहा मैं तो माली बाबा से पूछूंगी और फिर खाऊंगी। अब से ने क्या कहा, से ने कहा मैंने तो तीन सेब रख लिए सर पे। ओहो, इन सबको तो बड़ा मजा आ रहा है, क्या आप लोगों को मजा आ रहा है बच्चों? चलिए अब जल्दी जल्दी याद कर लें। मैंने एक सेब खाया, पे ने तीन सेब खा लिए और टे ने अपने सर पे दो सेब रख लिए। टे तो अभी माली बाबा के पास जाना है टे को तो, और से ने सर पे अपने तीन सेब रख लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि माली बाबा टे को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद बे पे टे टे और से माली बाबा के पास आए और माली बाबा ने कहा आप लोगों को भूख लग रही थी तो कोई बात नहीं, सेब आप लोगों ने खा लिए, लेकिन आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था, आप मुझसे पूछते मैं तब भी मना नहीं करता। तो टे ने कहा मैंने नहीं खाए। माली बाबा बहुत खुश हुए और माली बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही जबरदस्त तोहफा मिलेगा। सेब के दरख्त पे आकर बे पे टे टे और सेब। तो बच्चों अब आप हमेशा याद रखिएगा कि बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे कहता है प, टे के ऊपर दो नुक्ते, टे कहता है त, टे के ऊपर छोटी तोएं और टे कहता है ट, से के ऊपर तीन नुक्ते और से कहता है सा। अब भी जब बारिश होती है, बादल होते हैं, बिजली कड़कती है, तो बेटी फैमिली बादलों पे चली जाती है और इन सब ने बे से बाजा लिया हुआ है। और सब जब बारिश होती है ना तो बादलों में बैठ के बाजा बजाते हैं। बे कैसे बोलता है, प प प प। पे का बाजा क्या बोलता है, प प प प। टे का बाजा त त त त। और टे कौन सा बाजा बजाता है, टा 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 टा। और से की आवाज होती है स स स। अब कभी बारिश हो और बादल गरजे तो आप जरूर आवाज कान लगा के सुनिएगा, जरूर आपको बे पे टे टे से बे के खानदान के बाजों की आवाजें सुनाई देंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसकी लिखाई के साथ। जब तक टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।